टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू फाइंड प्राइम इम्प्लिकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। तो हमें प्राइम इम्प्लिकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स के लिए के मैप गिवन होगा, तो उसमें से हमें फाइंड करना होगा कि इसमें कितने प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं या कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं। तो आओ देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट के मैप पे आ जाओ, ये देखो एक पेयरिंग ये हो रही है, एक पेयरिंग ये हो रही है, एक पेयरिंग ये हो रही है, एक पेयरिंग ये हो रही है और एक हमारी फोर्थ की पेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो टोटल हो गई हमारी फाइव पेयरिंग, यानी कि हमारे जो प्राइम इम्प्लिकेंट्स हम सिंपली उसे कह सकते हैं कि वो हमारे हो गए पाँच, ठीक है। मतलब जितने भी पेयर आपके बन रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर एक और वन होता और फिर से ये एक पेयरिंग हो जाती तो हमारे पास कितने प्राइम इम्प्लिकेंट्स हो जाते, सिक्स हो जाते। क्यों सिक्स हो जाते, क्योंकि सिक्स पेयरिंग हो रही थी। तो ये हो गए हमारे प्राइम इम्प्लिकेंट्स, जो कि हम सिंपली पेयरिंग बना करके फाइंड कैसे करते हैं, वही हो जाते हैं हमारे प्राइम इम्प्लिकेंट्स। लेकिन EPI यानी कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं, जिसमें एक प्राइम इम्प्लिकेंट्स, मतलब जैसे कि हमारे पास है दो का पेयर है, ठीक है, लेकिन इसमें से दोनों वैल्यूज़ का पेयर जो है वो हमारा किसी और प्राइम इम्प्लिकेंट्स में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये है, ये किसी और के साथ इसकी पेयरिंग हो रखी है, लेकिन अभी इसमें से एक बचा हुआ है ना, एक बचा हुआ है, यानी कि ये EPI है और इसमें से भी एक बचा हुआ है, यानी कि ये भी EPI है। मतलब हमने जो है ये पूरी तरीके से किसी और पेयर को नहीं दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये इसको किसी और पेयरिंग के साथ कर देते तो ये वाला EPI ना हो करके ये वाला EPI हो जाता, ठीक करके, ठीक है, ऐसे करना है। ये वाला देखो, अब हमें देखना है अब यहाँ पे किसका पेयर जो है जिसमें से हमारा कुछ भी मतलब बच रहा हो। देखो ये वाला है, इसमें ये सारे तो प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं ही, और ये जो पेयर बन रहा है ये तो सबके प्राइम इम्प्लिकेंट्स को लेकर के बन रहा है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो सबको ना लेकर के कम से कम एटलीस्ट वन तो छोड़ दे, एटलीस्ट वन वो किसी भी प्राइम इम्प्लिकेंट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब वो हमारा EPI होगा। जैसे कि ये फर्स्ट पेयर देखो, इसमें ये वाला वन बचा हुआ है, इस वाले में देखो, इस वाले में भी ये बचा हुआ है, इस वाले में यहाँ देखो, क्योंकि मैंने ये चेंज कर दिया ना, ये यहाँ पे ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, तो यानी कि हमारे पास चार EPI हो गए हैं, ठीक है, चार EPI हो गए। लेकिन ये वाला हमारा EPI नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो पूरा पेयर बन रहा है वो सारे प्राइम इम्प्लिकेंट्स के पेयर से ही बन रहा है, हमारे पास इसमें से एक भी ऐसा नहीं बचा है जो कि प्राइम इम्प्लिकेंट्स का पेयर से ना हो, अगर होता तभी वो EPI होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है ना, ऐसे। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, ये इसमें देखो ज़रा पेयरिंग, देखो कितनी पेयरिंग बन रही है हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच पेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो सिंपली प्राइम इम्प्लिकेंट्स हमारे पाँच हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो EPI कौन है, EPI कितने हैं, सॉरी। अब ये पेयरिंग आपस में भी बन रही है ऐसे 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 ऐसे, बचा कौन सा जिसके पास हमारा किसी प्राइम इम्प्लिकेंट से पेयरिंग नहीं हो रही है, वो कौन कौन से पार्ट्स बचे हुए हैं, कौन कौन सी पेयरिंग बची हुई है। तो एक तो ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, यानी कि ये दोनों हमारे EPI होंगे, क्योंकि और सब तो कवर कर रहे हैं ना दूसरे प्राइम इम्प्लिकेंट्स वाले, जैसे कि इस वाले ने कवर कर रखा है, ठीक है,
और इस वाले ने कवर कर रखा है, और फिर इसने भी कवर कर रखा है। ये सारे वैसे ही प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, तो ये ऐसे हो रखा है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं मैंने, क्योंकि बाद में कर दिया था ना ये वाला भी समझाने के लिए। ठीक है, छः प्राइम इम्प्लीकेंट्स कैसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, 6 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, और 2 EPIs हैं। 2 EPIs कैसे हैं, क्योंकि सिर्फ यही किसी और का पेयर नहीं बन रहा है यहाँ से, और यहाँ से ही किसी और का पेयर नहीं बन रहा है। देखो अब यहाँ पे भी ऐसे समझ लो, हाँ यहाँ पे हमारे पास होता कुछ, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी पेयरिंग हम, ये इसके साथ इसकी पेयरिंग हो गई। ठीक है, तो अब ये भी हमारा API हो गया। तो अब कितने API हो गए यहाँ पे हमारे पास, 3 API हो गए। कितने हो गए, 3। तो इस तरीके से हमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स और API फाइंड करना है।